नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है कुक विथ मनीष चैनल पे। यह हमारी आलू भिंडी की चटपटी सब्जी। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगभग आधा किलो भिंडी लिया है जो बहुत ही नरम है। इसको अपने हिसाब से हम काट लेंगे धुलने के बाद। जो टाइट भिंडी होगा उसको नहीं काटेंगे। आप चाहें तो इससे भी छोटे पीस कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पर्सनली इतने बड़े पीसेज बहुत पसंद हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई रख लिया है चूल्हे पे और इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद से इसमें 50 से 60 ग्राम तेल डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें कुछ हम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले मतलब कि पंचफोरन, जीरा, मंगरेल और मेथी वगैरह के दाने होते हैं। इसमें 5 तरह के खड़े मसाले होते हैं। ये लहसुन की कुछ कलियाँ हैं जिसको हमने बारीक काट लिया था, और ये कुछ लाल मिर्च है और कुछ हरी मिर्च है, लगभग 5-6 मिर्चें होंगी दोनों मिला करके। इनको हम मसाले के साथ छिटकने देंगे थोड़ा देर के लिए। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। लहसुन अब ब्राउन हो गया है, अब इसके बाद से हमने ये 3 बड़े प्याज काटे थे। 3 बड़े प्याज को काटने के बाद से बारीक स्लाइस कर लिया था और इसको इस तेल में अच्छे से भुनेंगे। प्याज को थोड़ा सा नरम होने देंगे। प्याज जब नरम थोड़ा हो जाएगा फिर बताते हैं। इसको प्याज को नरम करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे ढक्कन लगा के ढक देंगे। 2 मिनट हो गया है, प्याज अपना नरम हो चुका है। ये देखिए प्याज काफ़ी नरम हो गया। अब इसके बाद से हम इसमें 2 बड़े आलू के स्लाइस किए हुए टुकड़े डालेंगे लंबे लंबे साइज में, और प्याज और आलू को हम तब तक भुनेंगे कि जब तक इन दोनों का कलर कुछ पिंक और ब्राउन ना हो जाए। आंच को हम थोड़ा सा मीडियम हाई पे रखेंगे। एक बार इसको फिर से चलाएंगे। ये देखिए इसका कलर अब देखिए हल्का सा पिंक हो गया है। अब इसमें हम अपना ये कटा हुआ भिंडी डालेंगे और भिंडी को अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे। पूरी भिंडी को अच्छे से मिलाना, लगभग ये आधा किलो भिंडी था। ये लगभग 3 से 4 लोगों के खाने के लिए भरपूर है। इसको आराम से मिलाना चाहिए कि भिंडी टूटे ना। अब भिंडी पूरी मिल गई है, इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है, भिंडी हमारी नरम हो गई है, आलू भी काफ़ी हद तक पक गया है। आराम से ही चलाएंगे। अब भिंडी में हम अपना कुछ मसाला डालेंगे। बहुत कम मसाले से ये सब्जी बनेगी, जैसे 1 चम्मच हल्दी हो गया। इसके बाद से हम 1 चम्मच नमक डालेंगे स्वादानुसार। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और ये अच्छे से हम मिला करके, भिंडी हमारी अच्छे से मिल गई है हल्दी और नमक के साथ। अब इसको फिर से हम मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। 2-3 मिनट हो गया है, फिर से ढक्कन हटा करके, और देखिए ऐसे ही आराम से चलाएंगे कि भिंडी इसमें टूटे ना। बहुत ही हल्के हाथ से, भिंडी टूटता है तो ख़राब लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, बस। इसके बाद से हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, नहीं कोई धनिया जीरा पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाल मिर्च की ज़रूरत है। सब कुछ ये अपने आप में भरपूर है, और आप इसको बस इतना ही करना है कि बस इसको धीमे हाथ से चलाना है, बहुत हल्के हाथ से, और इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढकेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी हमारी लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखिए भिंडी भी गल गया है, आलू भी पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत कम मसाले पड़े हैं। बहुत से लोग बहुत सारा मसाला डालते हैं जिससे स्वाद एकदम बर्बाद हो जाता है।
और बहुत ही हेल्दी बना है, और आप समझिए कि बच्चा भी खाएगा, बूढ़ा भी खाएगा, जवान भी खाएगा। 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही खुले आँच पे, ढक्कन नहीं लगा के, थोड़ा सा तेज आँच पे इसको भून लेते हैं ऐसे ही। और ये हमारी भिंडी की सब्जी चटपटी मसालेदार आलू के साथ एकदम तैयार है खाने के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इसको ऐसे ही तेज आँच पे देखते रहिए। ये देखिए ये तैयार हो गया है, जब पक के तैयार होगा तो ऐसे ही लाल कलर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने बनाया है, मेहनत से बनाया है दोस्तों। कमेंट ज़रूर करिएगा नेक्स्ट रेसिपी के लिए, क्या आपको पसंद है। नमस्कार।